नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्कैटिंग न्यूज के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक जबरदस्त इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से आप टॉप और बॉटम पकड़ सकते हैं। लगभग वहां पे आपको एक्यूरेट सिग्नल्स ये इंडिकेटर देता है। इस इंडिकेटर की हेल्प से आप चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करते या फ्यूचर ट्रेडिंग करते, वो हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते। कौन सा इंडिकेटर है, इसे कैसे यूज करना है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। सिंपली शुरू करते हैं। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक यहाँ पे सेल साइड की एंट्री मिली। यहाँ पे इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिया। आप इस कैंडल के लो के नीचे आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है। चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कोई भी चार्ट पे इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कितने पॉइंट्स मिले। यहाँ पे जब तक बाय सिग्नल मिला हमें, यहाँ पे 1100 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों, इस इंडिकेटर की हेल्प से आपको स्टार्ट में यहाँ पे इस इंडिकेटर ने बता दिया कि यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, लेकिन ये ट्रेड चला नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे एक बाय एंट्री मिली इस वाली जगह, सॉरी। तो आपको इसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख देना है और ट्रेड को चलने देना है। जब तक आपको 1:2, 1:3 का रिस्क रिवार्ड नहीं मिलता, आपको हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, थोड़ा बहुत ट्रेड चला, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, आप यहाँ से एग्जिट हो गए। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, आप देख पाएंगे यहाँ पे 175 पॉइंट, यानी ये जो कल की बात है, 24 जनवरी 2024, इस कैंडल पे बाय सिग्नल मिला। इसके हाई के ऊपर अगर हम बाय करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले, लगभग 330, 338 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, जब भी बाय सिग्नल आता है आपको अच्छे खासे ट्रेड से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चाहे यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं, इस कैंडल के ऊपर बाय मिला, देखेंगे 356 पॉइंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, इस कैंडल पे मिला। डे के एंड में ज्यादा करके अगर सिग्नल आता है तो इसे अवॉइड कर देना है दोस्तों, क्योंकि दिन के आखिर में सिग्नल मिलते हैं तो कुछ इतने रिलायबल नहीं होते। तो आप चाहे कभी कभी सिग्नल्स कम आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिला, क्योंकि वो इंडिकेटर की जो कंडीशन है वो मैच नहीं होगी, तो सिग्नल्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सिग्नल मिला, मार्केट लगभग थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट मिला आपको, लेकिन लॉस तो नहीं हुआ। यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे सेल सिग्नल मिला। आप देखेंगे यहाँ पे इस वाली जगह अगर आप देखेंगे, सेल सिग्नल हमें मिला था इस कैंडल पे, इसके लो के नीचे लगभग 386 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री हमें देखने को मिली थी इस कैंडल के हाई के ऊपर। सिंपली दोस्तों आपको ज्यादा और यहाँ पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं। सिंपली आपको जिस कैंडल पे आपको सिग्नल मिला है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, ज्यादा बड़ी कैंडल होगी दोस्तों तो आपको उस कैंडल के आधे का स्टॉप लॉस रख देना है, जहां पे आपका रिस्क कम हो जाता है और रिवार्ड में आपको बड़ी बड़ी यहाँ पे रैलीज देखने को मिलेगी। अगर इस कैंडल पे आपको सेल मिला, ये बड़ी कैंडल है, आप देखेंगे यहाँ पे 143 पॉइंट की कैंडल है, तो इसके आधे यानी 70 पॉइंट के इसके अंदर आप स्टॉप लॉस रख देना। इंडेक्स के हिसाब से आप स्टॉप लॉस जैसे कटता है, आपको आपकी ऑप्शन की पोजिशन या आप इंडेक्स की पोजिशन है जो भी फ्यूचर के अंदर की आपको काट लेने की है। यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिली। यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स हमें लगभग 100 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिले। आपको आसानी से दोस्तों इस इंडिकेटर की हेल्प से 100, 200 पॉइंट आपको इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्लियरली डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप इसके साथ कोई अदर इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, चाहे RSI, मूविंग एवरेज। अगर 20 पीरियड की मूविंग एवरेज आप इसके ऊपर लगा देंगे तो आपको, अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस है और आपको बाय सिग्नल मिलता है, तो आप इन फॉल्स सिग्नल्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आप चाहे यहाँ से निफ्टी का चार्ट अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेल सिग्नल हमें मिला। यहाँ तक ही देखेंगे 70 पॉइंट्स हमें देखने को मिले। आपको पोजीशन कैरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों इंट्राडे में पिक हमें निकल जाना है। यहाँ से आपको एक बाय सिग्नल मिला था, कैंडल बहुत ही बड़ी थी, तो ऐसी कैंडल्स को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटे छोटे ट्रेड्स भी मिलते हैं, 50 पॉइंट निफ्टी के अंदर बहुत हो जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, इसके नीचे अगर
आपको 62 या फिर लगभग 60 40 पॉइंट्स 47 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले। तो दोस्तों इस तरह से आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैक टेस्ट करना है, कोई भी इंडिकेटर 100% वर्क नहीं करता। ऐसी बड़ी बड़ी रैलीज भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसे बड़े कैंडल्स पे रिस्क बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे 150 पॉइंट लगभग मिल जाते हैं अगर आप यहाँ पे रिस्क लेते। तो ऐसी रिस्की ट्रेड्स को अवॉइड करना है। कैंडल्स अगर छोटी बनेंगे तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, और आपको 1:2 का हमेशा ध्यान रखना है। 1:2 पे आपको अच्छे खासे, अगर कोई 10 में से 7 ट्रेड भी आपके सही रहे तो आप ओवरऑल मंथ एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। सबसे पहले आपको इसे बैक टेस्ट करना है, चार्ट पे देखना है एक्चुअली कैसे वर्क करता है। इसके साथ और कोई इंडिकेटर आपको लगा के देख लेना है। हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे इंडिकेटर्स के ऑलरेडी वीडियोज यहाँ पे अपलोड कर रखी है, आप उनको भी देख सकते हैं, वो हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। तो इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सिंपली आपको इंडिकेटर्स के अंदर चले जाना है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम हंटर यहाँ पे डालेंगे, आप इंडिकेटर में जाएंगे, सॉरी जैसे आप टॉप एंड बॉटम डालेंगे आप देख सकते हैं ये वाला जो इंडिकेटर है, या फिर टॉप एंड बॉटम हंटर नो रिपेंट, ये रिपेंट नहीं होता है दोस्तों। जो भी जो शख्स इन्होंने बनाया है इनका नाम है यहाँ पे, इसको आपको अप्लाई कर देना है। जैसे अप्लाई करते हैं आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। सिंपली दोस्तों इंडिकेटर की सेटिंग्स में अगर जाते हैं, जैसे सेटिंग में जाएंगे आप देख सकते हैं फिब लेवल पे, यानी फिबोनाची जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उस लेवल पे ये इंडिकेटर बना है, उसकी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है। आप देख सकते हैं 0.38 का लेवल हम फिबोनाची अगर टूल यूज करते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। जो गोल्डन रेशियो 0.618 का यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे RSI भी दिया गया है, यहाँ पे RSI ओवर सोल्ड ओवर बॉट, ये लेवल से हमें कुछ मतलब नहीं है। सबसे मेन हम स्टाइल में जाएंगे, आपके पास ये वाला जो सबसे पहले आएगा, आपको ये इंडिकेटर से समझ में नहीं आता ये प्लॉट की जरूरत नहीं, प्लॉट वगैरह ये RSI हम हटा देंगे। सिर्फ हम यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल्स रखेंगे, आप इतनी सेटिंग को ध्यान में रख देना है। इनपुट के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, इसे ओके कर देना है, तो आपके इंडिकेटर के चार्ट के इंडिकेटर इजीली प्लॉट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस इंडिकेटर का यूज करके आप अपने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।